मनाना है अक्षय तृतीया का त्योहार। हिंदू धर्म च की है इस दिन का महत्व? सोना खरीदना क्यों मनिया जाता शुभ? सुनियारियां दी हो जांदी है चांदी ही चांदी। अक्षय तृतीया एक पवित्र त्योहार है जिसनूं बहुत शुभ मनिया जाता है। धार्मिक मान्यतावां दे अनुसार अक्षय तृतीया नूं हर काम करना चंगा हुंदा है। शास्त्रां दे विच इस दिन सोना चांदी अते कोई भी नवी वस्तु खरीदन दा विशेष महत्व दस्या गया है। इस दिन देवी लक्ष्मी दी पूजा करन दे नाल विशेष लाभ मिलता है अते उहनां दी कृपा नाल परिवार दे विच खुशहाली ते सुख शांति वधदी है। धार्मिक मान्यतावां दे अनुसार अक्षय तृतीया दे दिन बहुत सारियां प्राचीन घटनावां वापरियां, इसलिए इस नूं बेहद शुभ समा मन्या जांदा है। ये भी मन्या जांदा है कि अक्षय तृतीया दे शुभ मुहूर्त च कीते हुए सारे काम सफल हुंदे ने। आस्था की गल करिए ता हिंदू धर्म के अनुसार यह मन्या गया है कि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म होया सी। अक्षय तृतीया के दिन कृष्ण जी ने युधिष्ठर नूं अक्षय पत्र दिता सी जिस विच कदे भी भोजन खत्म नहीं हुंदा सी ते युधिष्ठर इस पत्र दे नाल अपने लोड़वंदां नूं भोजन दिंदे सन। इसलिए अक्षय तृतीया दे दिन दान पुन करन दा भी विशेष महत्व मन्या जांदा है। त्रेता युग भी अक्षय तृतीया दे दिन तो ही शुरू होया। इस शुभ दिन ते गंगा भी धरती ते उतरी। बहुत सारियां विशेषतावां दे कारण ही अक्षय तृतीया दे दिन नूं साल दा सब तो शुभ समा मन्या जांदा है। इस शुभ दिन का लाभ किवें लिया जा सकता है, पूजा की सही विधि की है, आओ जानते हैं इतिहासिक शिव मंदिर के मुख पुजारी तो। अक्षय तृतीया एक अपने में ही अक्षय है। अक्षय का मतलब होता है कि जिस पुण्य का खत्म न होना, जो पुण्य ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, अक्षय का मतलब होता है। और तृतीया का मतलब होता है तीन गुना फल की प्राप्ति होना। तृतीया का मतलब होता तीन गुना फल की प्राप्ति हो जाना। आज के दिन ही माँ गंगा का अवतरण हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्रों ने बहुत प्रकार से एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में अश्व को छोड़ा और अश्व को छोड़ने के बाद में वो अश्व जो है बहुत दूर तक जाता रहा। और ऐसा उन्होंने एक चुनौती लिख दिया कि जो कोई इस अश्व को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद में हमको मतलब चुनौती देगा, वो हमसे युद्ध करेगा। तो इस प्रकार से जो है चुनौती देने के चक्कर में उन्होंने अश्व को छोड़ दिया, अश्व पर लिख दिया कि जो इसको पकड़ेगा। अब राजा इंद्र घबरा गया कि भाई इस प्रकार से अगर ये अश्व छोड़ रहे हैं और अश्व चढ़ता चलता कहीं इन लोगों ने अगर पृथ्वी पर विजय पा लिया तो आकाश मंडल में आ जाएंगे और हमारे ऊपर में विजय प्राप्त कर लेंगे। कहते इस प्रकार से जब वो अश्व को छोड़ दिए तो चलते चलते भगवान इंद्र जो है एक दिन आए और भेष बदल करके उस अश्व को ले जाके कहाँ बांध दिए, कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिए। कपिल महाराज के आश्रम में जब बांध दिए तो वहां पर बांधने के बाद में इंद्र तो वहां से चले गए। अब लोगों ने बताया महाराज ये तो आपका जो अश्व है वो कपिल भगवान ने, कपिल जो है वो बांध रखे हैं, जो संत हैं वो कपिल बांध रखे हैं। तो क्या किया, अब लोगों ने बहुत प्रकार से वहां पर इन 60,000 पुत्रों ने सुना और भागे गए। वहां पर जा करके देख रहे हैं तो कपिल भगवान के आश्रम में वो बधा हुआ। बहुत तेज इन सबको क्रोध आया और क्रोध आने के बाद में इन सब ने कुठार उठाया और बहुत प्रकार से उनको मारने की चेष्टा किया। तब तक कपिल भगवान की आंखों से ऐसा ज्वाला निकला, उस ज्वाला से 60,000 पुत्र जो जल करके भस्म हो गए। जब भस्म हो गए तो भस्म हो जाने के बाद में उनके पिता सगर को पता लगा कि हमारे 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। बहुत प्रकार से चिंताग्रस्त हो गए। चिंताग्रस्त हो जाने के बाद में उनके भाई बताए भैया ऐसा है कि इनकी तो जब तक जो है गंगा जी के बीच में इनकी अस्थियां नहीं पड़ेगी तब तक इनका जो है कल्याण नहीं होगा। संतों ने बताया, महात्माओं ने बताया,
कहते इस प्रकार से गंगा जी का अवतरण करने के लिए बहुत प्रकार से वो लोग तप करने लग गए, लेकिन उनके तप से गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई, गंगा जी आई नहीं पृथ्वी पर। उन्हीं के कुल के राजा दिलीप हुए, दिलीप ने भी बहुत तपस्या किया लेकिन उनके द्वारा भी नहीं आई। उन्हीं के कुल में राजा भगीरथी हुए। सज्जनों कहते हैं उस भगीरथी ने बहुत प्रकार से तपस्या किया, एक पैर पर खड़ा होकर के भगवान की माँ गंगा की आराधना किया। माँ गंगा बोली कि भाई ठीक है, मैं आने के लिए अवतरण के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग तो इतना तेज है कि मैं उस वेग को यहाँ पर कोई संभाल ही नहीं पाएगा, सारा पृथ्वी जो है पाताल लोक में चली जाएगी। कह रहे महाराज फिर क्या करें हम, कह रहे जी ऐसा करो आप भगवान शिव को मनाओ, शिव ही हमारे वेग को संभाल सकते हैं। उन्होंने भगवान शिव की आराधना किया और भगवान भोलेनाथ, उनकी आराधना से भगवान भोले भंडारी प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला ठीक है गंगा जी को आने दीजिए, मैं गंगा की सारी जो है जितना वेग रहेगा उस वेग को मैं सहूंगा। भगवान ने अपनी जटाओं के बीच में माँ गंगा को समाहित किया और उस जटा से जो है एक बाल से जो है उन्होंने छोड़ा, गौमुख से गंगा जी चलती हैं। आज के दिन ही अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का अवतरण हुआ सज्जनों। और उसके बाद में गंगा जी जब वहां से चली, राजा भगीरथी भाग रहे हैं आगे आगे और पीछे पीछे माँ गंगा एकदम वेग से चल रही हैं। और आगे जब गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे पूर्वजों की सारी अस्थियां पड़ी हुई हैं और उस अस्थियों को जो ही गंगा जी का जल पान पड़ा तब तक सारे जो पितृगण एकदम प्रसन्न हो गए और बोलने लगे हे भगीरथी जाओ तुम्हारा नाम अजर और अमर हो जाएगा। और आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन जो है महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है, वेद व्यास जी जो रचयिता हैं उन्होंने महाभारत को लिखा, उसी में गीता जी का भी आता है, गीता जी भी उसी के बीच में उन्होंने लिखा। तो वेद व्यास जी जो है महाभारत का मतलब इस दिन शुरुआत किए थे, लिखना प्रारंभ किए थे। और भगवान विष्णु के छठे अवतार, भगवान विष्णु के छठे अवतार जो परशुराम जी हैं, उस परशुराम जी का जन्मदिन भी आज ही के दिन है। आज के दिन भगवान परशुराम का छठे अवतार, जिस परशुराम ने अपने पिता के परम भक्त रहे, कहते अपने पिता की बात मानते हुए उन्होंने बोला, कहते उसने क्षत्रियों का बहुत प्रकार से उन्होंने संहार किया और पृथ्वी का बहुत प्रकार से उन्होंने भ्रमण किया। इस प्रकार से अक्षय तृतीया के महत्व हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज के दिन जो है भगवान नारायण के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ है। तो परशुराम जी की पूजा होती, भगवान विष्णु के रूप में पूजा होती, भगवान नारायण की पूजा होती। यदि कोई मुहूर्त नहीं मिलता है तो हम लोग बोलते हैं आज के दिन जो आप विवाह भी कर सकते हैं, गृह प्रवेश के लिए कोई मुहूर्त नहीं है तो गृह प्रवेश भी किया जा सकता है, किसी भी शुभ काम को आज के दिन प्रारंभ किया जा सकता है, क्योंकि आज के दिन करने से 3 गुना फल की प्राप्ति हो जाया करती है। इसी के नाते इसका नाम क्या है, अक्षय तृतीया नाम है सज्जनों। आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। भगवान नारायण ऐसे देवता हैं जो पालन करता है, उनका दूध से स्नान करवा सकते हैं, दही से स्नान करा सकते हैं, शहद से स्नान करा सकते हैं, शक्कर से स्नान करा सकते हैं, घी से स्नान करा सकते हैं, उस प्रकार से स्नान कराए फिर गंगा जल से उनकी मूर्ति को स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में वस्त्र उनको चढ़ाना चाहिए, वस्त्र चढ़ाने के बाद तिलक लगाना चाहिए, तिलक लगाने के बाद में भगवान को मोदक मिष्ठान इस प्रकार से इन चीजों को जो है भगवान के सामने भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा तो देखिए अनंत है, खोड़सो उपचार पूजन हुआ करता है, 16 प्रकार से पूजन बताया गया, लेकिन ये विधान है, इस प्रकार से इस विधान से भगवान नारायण को प्रसन्न किया जाता है, इनका पूजन किया जाता है। अक्षय तृतीया दा धार्मिक महत्व दा तुसी जानी चुके हो। इस दिन सोना चांदी ते होर वस्तां खरीदना बेहद शुभ मन्या जांदा है ते इस दिन सब तो वध लाभ हुंदा है सुनियारियां नूं जिन्हां दी चांदी ही चांदी हो जांदी है। सुनियारियां दी दुकानां ते भीड़ लगी रहिंदी है ते लोग इस दिन बेहद उत्साह दे नाल सोने दियां चांदी दियां वस्तुआं खरीदते ने। सर जिस तरह अक्षय तृतीया हर साल जैसी गल कर लिए किस तरह दी एक्साइटमेंट रहिंदी है लोकां नूं, क्योंकि हर साल लोकी काफी खरीदारी करदे और इस दिन दा काफी महत्व भी है। देखो लोग इस दिन की बड़ी भारी उड़ीक करते क्योंकि शुभ मुहूर्त होंदा है, लोग सोने चांदी हीरे दे जेवरात लोग खरीदे अपनी पॉकेट के अनुसार, क्योंकि ये तरीका मैनू करीब करीब इस लाइन च 40 साल के मैनू हो गए, 40 साल तो मैं देखता आ रहा लोगों च दिन ब दिन उत्साह वध रहा, चाहे
सोने का रेट जो मर्जी रहा, 40 साल बहुत रेट मैं उपर थले दे देखे है, तो उन्होंने अज भी लोगों के क्रेज है जो पहला सोने का सोने के लिए। जिदा तुम्हें कहा कि लोग सोने के जो रेट है गोल्ड है वो सिल्वर के वो रेट बढ़ते जा रहे, किस तरह लगता है कि हजे भी लोगों की एक्साइटमेंट इसी तरह? बिल्कुल, वो देखो पहले जमाने नालों अज सोने की खरीददारी ज्यादा लोग करते हैं, पिछले 40 साल पहला तो आप रिकॉर्ड चकीए तो लोग इन्ना सोने सोना खरीदते जरूर सन पर लिमिटेड सोना खरीदते, हुण लोगों का रुझान सोने वाल वधिया। देखो एक एक अर्थव्यवस्था मजबूत करने वास्ते भी सोना अज देश जिहड़ा वह सोने के सिर ते चल रहा, इस देश नूं सोने की चिड़िया का नाम दिता जांदा सीगा और इसलिए दिता जाता, हर ग्रहणी कोल देश की हर ग्रहणी कोल 50 ग्राम तो लैके 100 ग्राम सोना तो घट्टो घट जो मनिया जा सकता, इसलिए इनू जिहड़ा वह सोने की चिड़िया का नाम देश नूं दिता जांदा सी हमेशा और दिता जांदा रहेगा, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ है जिहड़ा तुहाडा एक बार तुसीं खरीद लिया वो तुहाडे कोल एक असैस जिहड़ी है तुहाडी रकम जिहड़ी एक किस्म की जुड़ गई तुहाडे कोल जुड़ गई, क्योंकि जे मान लो किसी ने 5000 तोले का सोना बनाया सी अज 70000 रुपये 72000 रुपया रेट है सोने का फाइन गोल्ड का, और जिहड़ा जेवर है वह 68000 रुपये है, और सेविंगली मस्ट है, तुहानू 1 लाख रुपए का कोई प्लॉट नहीं मिलता, 1 लाख रुपए का गोल्ड तुहानू मिलता और 1 लाख रुपए का गोल्ड लै के तुसीं प्लॉट खरीद सकते हो, हौली हौली कोई चीज़ बना सकते हो अपनी हर देश जिहड़ा वह सोने के सिर ते ही कामयाब है, जिन्हें कोल जिन्ना जिन्हें कोल गोल्ड का भंडार ज्यादा उन्ना ही वह देश जिहड़ा कामयाबी दे वल वधदा। इस दिन का महत्व हैगा सारा दिन, मतलब तुसीं तां जिद्दां कहा तुसीं 40 साल का तुहाडा एक्सपीरियंस है, इस दिन काफी एक्साइटमेंट होंदी है लोकां च? हाँ, लोकां दे विच काफी एक्साइटमेंट होंदी, लोग सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी खरीदनी एक शुभ मनते हैं, जिन्ना जिन्ना जिदा जिदा पॉकेट अलाउ करती है, और लोगों वास्ते भी एक किस्म की अपनी पूंजी नूं बचाने वास्ते लोग ये भी सोचते चलो साडे पैसे, क्योंकि जे 10-20 हज़ार रुपया जेब च रखते 50 हज़ार रखते पाओ तो लभदा नहीं गा, सोना खरीद के तुसी रख लिया तो पैसे जुड़ जाते हैं, बंदे दे पैसे रुकते और नाले लोग बड़े शौक नाल इस डेट की वेट करते हैं। बिल्कुल, जिदा सामने दसिया कि इस दिन की लोग वेट करते हैं और जिदा सामने दसिया कि काफी लंबा एक्सपीरियंस भी इन्हों रहा इस पूरी फील्ड और लोगों च एक्साइटमेंट होंगी है, जिस तरह अज की आप गल करिए सामने दसिया कि 72000-73000 इस तरह का रेट जो गोल्ड का या सिल्वर का 84000-200 अज का रेट है, तो यह कि ना कि लोगों एक्साइटमेंट है, चाहे जिन्ना मर्जी जी महंगाई हो सोना जो है, लेकिन एक तरह की गोल्ड इस तरह की चीज़ है जो कि अगे तो अगे बढ़ता है, और इस तरह अज का दिन जिहड़ा अक्षय तृतीया का जिहड़ा दिन है उहदे विच लोगों की एक्साइटमेंट होंगी है, शुभ मुहूर्त कह सकते हैं कि लोग मानते हैं पूजा पाठ करते हुए काफ़ी ज्वैलरी जिहड़ी हैगी उस शॉप से काफ़ी जिहड़ी खरीदारी की जाती है, लोगों की भीड़ जिहड़ी है वह देखने को मिलती है। मोहाली तो कैमरामैन विनोद कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।